और ये है वो लैपटॉप जो गिरने से भी नहीं टूटता। ये देखें, ये देखें, ये देखें जनाब, ये ऑन हो चुका है। हमारी इस चीज की लाइफ टाइम गारंटी है कि आप हमसे लैपटॉप ले रहे हैं वो कूलर रिपेयर और पेंट नहीं होगा। सारे लैपटॉप एक ही रेट में आपको मिलेंगे। ये सारा हमारे पास स्टार्टिंग हो रहा है 15,000 से। ये वाला? हाँ जी, सारे ये आपको 15,000। कहाँ तक है 15,000 जी? 15,000 में ये एंड तक मिलेंगे। लेकिन अब ये है वो लैपटॉप, ये ना समझिएगा डिमी है, बाद में से आपको ऑन करके भी दिखाते हैं। और ये है वो लैपटॉप जो गिरने से भी नहीं टूटता। ये देखें, ये देखें, और ये मैंने उठा लिया और ये आपको ऑन करके भी दिखा देते हैं हम लोग। ये देखें, ये वही लैपटॉप है। और कहाँ से ऑन होना है जनाब इसने? यहाँ से। ये देखें जनाब, ये ऑन हो गया है। ठीक है, ये वो लैपटॉप है और आए हैं बड़ी दूर से। कहाँ से आए हैं ये तो हमें हफ्सा भी आज के इस एपिसोड में बताएंगे। ये देखें जनाब, ये ऑन हो चुका है और ये देखें, चेक कर लें, आपके सामने मैंने फेंका है और कोई कट नहीं है, वीडियो में कोई ड्रामा नहीं है। देखें जनाब, ये एरर आ रहा है, इसकी बैटरी लो थी इस वजह से ये प्रॉपर ऑन नहीं हुआ। लेकिन ये वो लैपटॉप है जो जनाब टूटता नहीं है। यहाँ पे इस तरह के ज़बरदस्त किस्म के लैपटॉप होते हैं और मैं इस वक्त आईटी जोन इलेक्ट्रॉनिक्स पर मौजूद हूँ, जो कि वाकया है दारोगा वाला मशीनरी स्टोर, बिल मुकाबल अटक पेट्रोल पंप मेन के ऊपर इनका सेटअप है और मेट्रो बैंक के बिल्कुल साथ इनका सेटअप है। और आज के इस एपिसोड में आपको लैपटॉप दिखाने वाले ज़बरदस्त किस्म के, उनकी प्राइसेस भी होंगी और क्वालिटी भी होगी। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ होंगे जुबैर भाई। जुबैर भाई की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक हल्का सा लाइक वीडियो को मार दें। लेकिन आप जुबैर भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज आपको लैपटॉप के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिले ही मिलेगी, साथ आपको सस्ते लैपटॉप भी जुबैर भाई ने देने हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जुबैर भाई? मिजाज बखैर है, जबरदस्त है। आईटी जोन कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चले, अल्लाह पाक आपके रिस्क में और भी बरकत दे। सबसे पहले थोड़ा सा बताइएगा बहन भाइयों को कि कहाँ कहाँ के लैपटॉप आपके पास होते हैं। जाहिर है आपका लॉट का माल आता है, कहाँ कहाँ से आता है, किस किस? हमारे पास ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और ये दुबई से आता है। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर कैटेगरीज आती है ABC। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ डिस्प्ले पे आपको मौजूद है वो ए कैटेगरी है। ए कैटेगरी सी जो होती है वो कुछ लोग हाल रोड वगैरह भी ले जाते हैं। ये जितना डिस्प्ले लगा है सब ए कैटेगरी का। ठीक है, और जबरदस्त सर, बेहतरीन जी। कितना फर्क होता है मार्केट में एक लैपटॉप 50,000 का है जी, आईटी जोन पर मैं रिकमेंड क्यों करूं बहन भाइयों को? कितने में मिलेगा 50,000 वाली मार्केट की चीज, कितने में मिलेगी? सबसे पहली चीज ये है कि आईटी जोन पे आपको लैपटॉप जो है वो पेंटेड नहीं मिलेगा। मार्केट्स में क्या है हम बता देते हैं, वीडियो में हम बताते नहीं होते वैसे, कि मार्केट में लैपटॉप पेंट मिलेगा। दूसरी चीज, बोर्ड पे वर्किंग हुई होगी। हमारी इस चीज की लाइफ टाइम गारंटी है कि आप हमसे लैपटॉप ले रहे हैं वो कूलर रिपेयर और पेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर बात रहेगी इस रेट की, रेट में इंशाल्लाह आप हमारा मॉडल लिखें, चीज कोई भी मॉडल पसंद आता है, रेट मार्केट से चेक करें, 5,000 से 6,000 का डिफरेंस होगा चीज। ठीक है जी, कहाँ से आगाज करेंगे आज के? ये इंशाल्लाह हम यहाँ से आगाज करेंगे। ये सारा हमारे पास स्टार्टिंग हो रहा है 15,000 से। ये वाला? हाँ जी, सारे ये आपको 15,000। कहाँ तक है 15,000 जी? 15,000 में ये एंड तक मिलेंगे। एंड तक जनाब ये पूरा एक चीज है जी जी, कि आप स्पेसिफिकेशन चेंज करेंगे रेट चेंज हो जाएंगे। एक मैं एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन बताऊंगा उसके साथ सेम रेट है, अगर आप उसको ज्यादा कराते हैं जाहिर बात है रेट ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही जी। बताएं जी क्या स्पेसिफिकेशन होगी तो 15,000 तक रहेगा? इसके अंदर आप कोई ले लें, 15,600 ले लें, 14 ले लें, कोई भी ले लें। इसके हमने ये उठाया एक लैपटॉप। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ले लेते हैं 8GB स्टोरेज, 2GB रैम। पहले तो हम आपको एक चीज मैं छोटी सी बता दूं, लोग जब हमसे रब्ता करते हैं सबसे पहले कहते हैं कि मैंने डिजाइनिंग करनी है, बजट मेरा 14-15 हज़ार है, मेरा सारा काम चले। लोग झूठ बोल के वीडियो में बता भी देते हैं 15,000 में एडिटिंग करो ये करो, लेकिन नहीं, ये जो लैपटॉप है ये सिर्फ आपके होम यूज के लिए, यूट्यूब चला लिया, घर में चला लिया, या ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड एक्सेल यूज कर लिया, इंटरनेट पे कोई काम सीख लिया, इतना। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके अंदर फिर ये होता है कि अगर आप दोस्त के साथ ले रहे हैं तो आप सिर्फ बच्चों के लिए ले सकते हैं। अगर इसमें आप स्पेसिफिकेशन बढ़वा लेते हैं, मीन्स के आप 4GB रैम, 500GB स्टोरेज, 320 उसके साथ एक ही, अगर आप 4-320 के साथ इनमें से कोई भी आप हमसे खरीद लेंगे तो वो आपको 17,500 में मिल जाएगा। सिर्फ 2,500 का फर्क, सिर्फ 2,500 का फर्क है, स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी। उसके अलावा अगर इन्हीं के अंदर अगर आप 4GB रैम के साथ 500GB स्टोरेज करवा लेंगे तो जो है ये आपको 19 में मिल जाएगा। 19 में? हाँ जी ठीक है। और 19 में करने के साथ ये है कि आप इसमें
एक चीज और भी लग सकती है, ये जितने लैपटॉप हैं ये विंडोज 7 सपोर्टेड होते हैं। इसके अंदर ये है कि अगर आप चाहते हो कि यार मैंने ऑनलाइन वर्क करना है लेकिन स्पीड 10 बाय जो है ज्यादा हो, स्पीड तेज हो, इसके अंदर लग सकती है 128 GB SSD। ठीक है, वो खाली SSD की प्राइस 4500 है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये हमने जो आपको रेट बताया 4500 तक, ये 19 में है। अगर आप इसमें 128 SSD लगा देंगे तो ये 22000 में बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके लिए आप ऑनलाइन काम सारा कुछ कर सकते हैं, स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मतलब कि जिनका बजट सिर्फ 20-22 तक का, उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, मैंने आपसे ये लैपटॉप खरीदा जी, खरीदने के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या पांचवें दिन मुझे लगा कि यार इसकी तो ना तो बैटरी टाइमिंग है, LCD भी प्रॉब्लम कर रही है, या कोई और इशू आ रहा है, या इसकी जो मुझे लगता था कि ये स्पीड होगी वो स्पीड नहीं है। मैं इस लैपटॉप की नहीं बात कर रहा, ओवरऑल आपसे कोई भी चाहे महंगा खरीदता है चाहे कोई सस्ता खरीदता है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है या सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, तो उसकी क्या गारंटी होती है? सबसे पहली बात ये जो आपको डिस्प्ले पे नजर आएगा, ये हमने A to Z एक एक पीस को चेक किया है। ठीक है, आपने ऑनलाइन बाय किया या यहाँ पे आके बाय किया, कोई मसला आ गया? ठीक है, एक महीने की हम आपको वारंटी देंगे कि अगर बैटरी बैकअप 60 मिनट से कम निकाले, मीन्स के एक घंटे से कम निकाले हम क्लेम करेंगे, 58 मिनट भी निकाल रहा है हम क्लेम करेंगे स्टैंड बाय पे। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि स्क्रीन, तीन चीजें होती है जिनकी चेक वारंटी होती है, अगर आप मोबाइल भी लेने जाएं उनका भी होता है कि स्क्रीन भाई ये देख लो डैमेज नहीं, बिल्कुल सही, मसला कोई आ जाता है वो अलग चीज है। स्क्रीन स्पीकर में कुछ ज्यादातर लोग बच्चों को लेके देते हैं, वो क्या करते हैं 200 पे जब आप कार्टून वगैरह या कोई चीज लेंगे स्पीकर सारी बात फट जाएंगे। स्पीकर, स्क्रीन स्पीकर, कीबोर्ड, ये तीन चीजें हम सिर्फ कस्टमर को चेक करवा के देंगे, इनकी चेक वारंटी, बकाया कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है लैपटॉप में डिस्प्ले होना, एक महीने की आपको वारंटी है। आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी यहाँ तक, ये सारे उसी कैटेगरी में है। इसके अंदर ये हमने कोई फर्क नहीं डाला, डेल, HP, तोशिबा, कोई भी ले लें आपको रेट, सारे लैपटॉप एक ही रेट में आपको मिलेंगे। आए जी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं आज की इस एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाली हैं। जी जी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये आगे आ जाती हैं क्रोमबुक, जिन्होंने जस्ट ऑनलाइन काम करना है या अपनी ब्राउजिंग करनी है फेसबुक इंस्टा पे, ठीक है, ये उनके लिए क्रोमबुक्स हैं। एक तो ये लाइट वेट हैं, ठीक है, और ये इजी टू कैरी हैं, इस पर आप क्रोमबुक है, इसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी होती है 4GB रैम 16GB मेमोरी, ठीक है, इसके अंदर आप ऑनलाइन वर्क फेसबुक इंस्टाग्राम या गूगल वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइट वेट है, लिथियम बैटरी के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपको 17000 में मिल जाएगी। ठीक है, 17000 रुपए में आपको मिल जाएगा। उससे आगे जो स्टार्ट हो रहे हैं ना लैपटॉप, जिस पर मैं बाहर बात कर रहा था कि वो इन वर्किंग के लिए, आगे स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट जनरेशन से। ठीक है, और इसके अंदर ये कि फर्स्ट जनरेशन जिस तरह ये लगा, नेक्स्ट लिंक है डेल, तो शेबा हम डेल की बात कर लेते हैं जी। ये लैपटॉप है डेल के अंदर कोरा i5 में फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आपको मिलेगी 4GB रैम 320GB मेमोरी, जो ये मैं रेट्स बताऊंगा, स्पेक्स के साथ बताऊंगा, अगर कल को आप चेंज करवाएंगे स्पेक्स तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, अभी 4320 के साथ है, इसमें विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है, विंडोज 10 भी इसमें इंस्टॉल्ड हो सकती है, ठीक तो है। सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को हम 22000 में दे देंगे 22 में फर्स्ट। हाँ जी, ठीक है जी। अब कुछ लोग हमें कहेंगे कमेंट में व्हाट्सएप पे कि हमें हाल रोड से तो i5 फर्स्ट का 15000 रेट मिल रहा है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, चीज पेंट है, ठीक है, मार्केट में रेट जो है हमारा वो रेट होगा जो आप इजीली चेक करें, आपको फर्क वादे नजर आएगा। हमारे पास कोई भी चीज आपको खुली रिपेयर पेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। इससे आगे आते जाएंगे, ये i7 में सेकंड जनरेशन है, लिनोवो के अंदर है, ठीक है, 12.5-13 इंच में i7 में सेकंड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 24500 में आपको मिलेगी i7 में सेकंड है, इसके अंदर आपको 4GB रैम 320GB स्टोरेज के साथ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको ड्यूअल कोर से लेके 11 जनरेशन तक लैपटॉप मिलेंगे, गेमिंग के अलग मिलेंगे। अगर आपको किसी भी चीज का नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप बाय कर रहे हो, कस्टमर सपोर्ट पे हमें बताओ मेरी रेंज इतनी है, काम मैंने ये करना है, हम आपको गाइड कर देंगे, यार आप इतनी रेंज कर लो आपका ये काम चलेगा इजीली, कोई मसला नहीं, आप हमसे रब्ता करें। अब उससे आगे आ जाता है डेल के अंदर E5430 मॉडल है, ये बोर्ड इसके अंदर थर्ड जनरेशन का, अगर आप इसको कल को इसका प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहें तो इसके अंदर आप i7 3rd भी लगा सकते हैं। अच्छा। प्राइस हम आपको इसकी सेकंड जनरेशन की देंगे, कल को आप प्रोसेसर चेंज करके थर्ड जनरेशन भी कर सकते हैं। i3 सेकंड जनरेशन है, अभी 4GB 500GB लगी है, सिर्फ और सिर्फ 25000 में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, 25000 में आपको मिल जाएगा। उससे आगे आते जाएंगे, ये थर्ड जनरेशन है, थर्ड के अंदर मैं आपको एक पीस दिखा देता हूँ, ठीक है, ये स्लाइड वाला है, तोशिबा के अंदर है,
स्लाइड है, बिजनेस मॉडल है ये, आप ऑनलाइन वर्किंग ऑफलाइन वर्ल्ड एक्सेल या फोटोशॉप का भी आपने माइनर सॉफ्टवेयर चलाने हैं सारे चलेंगे आपके इसके ऊपर टच स्क्रीन के साथ। और अगर इसके अंदर आप रेगुलर मॉडल मुझसे ले लेते हैं टच के बगैर वाला जिस तरह ये असूस के अंदर है ये तो आपको मिल जाएगा 28,000 में, ठीक है। वो बिजनेस मॉडल है तो वो आपको मिल जाएगा 33,000 में, ठीक है 33 का। हाँ जी, इससे ऊपर आगे चलते जाएंगे थर्ड लगी है सारी, यहाँ से हमारे पास 4 स्टार्ट हो रही है। 4 के अंदर इस दफा मेरे पास काफी अच्छी क्वांटिटी आई है, बिजनेस मॉडल है सारे। अच्छा जी, इस तरह ये i5 4 जनरेशन है, रोटेटेबल है टच स्क्रीन में, ठीक है। सबसे बड़ी बात जुनेद भाई इसके अंदर ये है कि इसके अंदर बड़ी बैटरी लगी है, जितना लैपटॉप है उतनी बड़ी इसमें बैटरी है, टच स्क्रीन के साथ i5 4 रोटेटेबल, इसके अंदर 128 SSD 4GB RAM भी रिक्वायर्ड है, 8GB 256 दोनों मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अपने कस्टमर को आपके चैनल के रेफरेंस से 4 128 के साथ 35 में टच स्क्रीन और 8 256 के साथ 40,000 लें जी, ठीक है, जबरदस्त रेट दे रहे हैं। आगे हमारे पास सारे ही बिजनेस मॉडल है 4th जनरेशन, जिस तरह की हम लिनोवो की बात कर लें L440 i5 4th जनरेशन, ठीक है, 4 128 के साथ 35 में और 8 256 के साथ 40 में, ठीक है। इसके अंदर आपके साथ फेवर ये है, आप डेल HP लिनोवो तो शिवा कोई भी ले लें सेम प्राइस रख दिए, i5 4 4 128 35 और 8 256 40 में। इसी के अंदर हमारे पास वर्क स्टेशन टाइप मशीन है डेल में E6540, इस दफा सारे हम बिजनेस मॉडल लेके आए हैं, ठीक है। 15/6 में कोई लोग काम करते हैं ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का, ठीक है, वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, ये उनके लिए सारे लैपटॉप्स हैं, फोटोशॉप चलाएं, डिजाइनिंग का काम करें, अगर कोई GTA 5 को गेमिंग भी करना चाहता है तो वो भी इस पे हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर 8GB रैम 256 SSD है, स्टील बॉडी के अंदर है, सिर्फ 40 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ तक सारी 4 लगी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको डेल मिल रहा है, लिनोवो मिल रहा है, HP मिल रहा है, ये रोटेट वाले मिल रहे हैं। इसके अंदर एक और मॉडल है 9 सेल बैटरी के साथ, 4th जनरेशन ही है लेकिन 9 सेल बैटरी है। अच्छा, ये 6 सेल है, 3 सेल एक्स्ट्रा लगे, उसकी प्राइस भी हम आपको बढ़ाएंगे नहीं, उसी प्राइस टाइमिंग भी अच्छी होगी बैटरी, टाइमिंग जहरी बात है, अगर एक बैटरी 6 सेल वाली आपको 1.5-2 घंटे दे रही है या आपको 3 घंटे देगी, ठीक है, बैटरी टाइमिंग वगैरह इसमें अच्छी मिल जाएगी। आगे हम चलते हैं जी ये नेक्स्ट जनरेशन की तरफ, यहाँ से हमारे पास 5th स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मींस के अगर हम इसकी बात कर लें i7 5th की, ठीक है, i7 5th है, अगर आप डिजाइनिंग का कोई काम करना चाह रहे हैं सारा काम आपको इजीली होगा, 4 128 के साथ लेना चाह रहे हैं 5th जनरेशन में लैपटॉप तो वो आपको इंशाल्लाह 44 में मिल जाएगा, 44 जी, और इसी के अंदर ही 46 में दे देंगे आपको 8 256 के साथ, ठीक है। i7 5th भी ले लें, i5 5th सेम रेट में आपको मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं डालेंगे i7 का या और किसी चीज का। और इस दफा ये जर्मनी का ब्रांड आया मेरे पास फिजिट्सो, ठीक है, i5 6th जनरेशन है, ये आप चेक कर सकते हैं 10x10 कंडीशन है, i5 6th जनरेशन 4GB 128 के साथ 46,000 में। अच्छा, और 8 256 के साथ 50,000 में, जर्मनी का ब्रांड है, लाइफ बुक है फिजिट्सो ब्रांड की, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमारी वेबसाइट है itzoneelectronics.com, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड की हैं, आप वहाँ से भी रेट ले सकते हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह अगर आप वहाँ से बाय करेंगे आपको कोई ना कोई गिफ्ट भी इंशाल्लाह वहाँ से जरूर मिलेगा। अच्छा, उससे आगे ही हमारे पास रैक स्टार्ट हो रहा है 6th जनरेशन से, ठीक है, ठीक है। और 6th जनरेशन में जिस तरह ये असूस के अंदर आई है हमारे पास i5 6th बिजनेस मॉडल में, ठीक है, i5 6th जनरेशन, इसके अंदर 8GB रैम 256 SSD मिल रही है, ठीक है। ये देखें बिजनेस मॉडल है, नमपैड 7 है, डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग फोटोशॉप कुछ भी चलाना चाह रहे हैं इजीली चलेगा, लाइट वेट है, सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर बैटरी लगी है, लिथियम बैटरी है, 3-4 घंटे इनका टाइमिंग होता है, वैसे तो हमारा ऑफिशियली घंटे का बैकअप है लेकिन आपको बता रहे हैं कि इनकी टाइमिंग इतनी निकालती है, ठीक है। उससे आगे अगर कोई चाह रहा है कि 6th जनरेशन में डेल मिल जाए तो ये i3 6th जनरेशन है, ठीक है, ये 49,000 में आपको लग जाएगी 8 256 के साथ, ठीक है। चीजें काफी हैं लेकिन हम कुछ कवर कर रहे हैं। इससे आगे हमारे पास 7th जनरेशन स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर मैं बता दूं अगर जिनको साइज छोटा चाहिए, लिथियम बैटरी चाहिए, साइज छोटा चाहिए, i7 7th जनरेशन, हाँ जी स्मार्ट i7 7th जनरेशन है, 8GB और 180GB SSD के साथ, ठीक है, ओनली आपको 56 में मिल जाएगा, 56 का मार्केट में सर इसकी प्राइस इस टाइम चल रही है 65 इस मॉडल की, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको जो है मुनासिब प्राइस पे दे देंगे। इसके अंदर अगर आप i5 7 ले लेते हैं कोई भी जिस तरह HP है, डेल है, ठीक है, सर है, और इनके अंदर अगर आप लेंगे 4GB 128 SSD के साथ तो 55 में मिल जाएगा, 8 256 के साथ चाहेंगे तो 59 में मिल जाएगा। i5 7th जनरेशन है, 5480 डेल का मॉडल है, HP में मिलेगा 450G4,
इससे आगे आते जाएंगे, यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, जिस तरह ये क्रोमबुक है आई है हमारे पास 15-6 में, आज तक आपने क्रोमबुक देखी होगी 12 इंच वाली, 11 इंच वाली, ये 15 इंच वाली क्रोमबुक है, ठीक है। इसके अंदर लगी हुई है 4GB 16 बिल्ट इन है, 128GB का इसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी। और ये अपने कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ 23,000 में दे देंगे, 23 का 15-6 में, ठीक है जी। इससे आगे हमारे पास कुछ चीजें चेंज हो गई हैं कि जिनका बजट कम है तो वो भी जरा एंजॉय कर लें। ये हमारे पास सारा रैक जो है ओनली 25,000 का, 25 का। इसमें क्या क्या है जी? इसमें सर हमारे पास स्ट्रीम बुक्स हैं सारी, ये एसर के अंदर है, 500GB स्टोरेज 4GB रैम के साथ, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये एसर में है सेलेरॉन 4th जनरेशन है सेलेरॉन सीरीज। अच्छा जी। 25 में, हालांकि 35 तक लोग कर रहे हैं सेल, इंशाल्लाह अपने कस्टमर को 25 में देंगे सेलेरॉन 4th जनरेशन, 4GB रैम, 128 SSD, अल्ट्रा लाइट वेट, ये बिल्कुल वजन नहीं है इसका, बैटरी टाइमिंग आम लैपटॉप से ज्यादा है इसकी, 2-2.5 घंटे 3 घंटे। जिन्होंने वर्ल्ड एक्सेल का काम करना है ना, ये ऑफिस यूज और यूनिवर्सिटी यूज सारे उनके लिए। ये लेटेस्ट कलर में भी एक है HP के अंदर हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर 2GB 32GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी है और 128 का कार्ड है, ठीक है। अगर आप 2 32 के साथ लेंगे तो आपको 25 में ही मिल जाएगा, अगर आप 128 का कार्ड इंस्टॉल करवाएंगे उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, ठीक है, ठीक है। और ये सारी जिस तरह पेंटियम 4 सेलेरॉन 4 स्ट्रीम बुक ये एक ही रेट में लग जाएंगी। अगर नेक्स्ट सेशन जो हमारा आगे है, ये सारे ग्राफिक्स वाले बिजनेस मॉडल है बड़े, ठीक है, जिनकी एडिटिंग वगैरह ये वो ग्राफिक्स, जिनकी 70,000 से प्लस प्राइसेस है, तो उसके अंदर फर्स्ट में हमारे पास स्टार्ट होता है i5 सेकंड जनरेशन है, एलियनवेयर ब्रांड है, गेमिंग, ठीक है। और इसको जब हम ऑन करेंगे अभी तो इसकी में है बैटरी डाउन है, इसके अंदर RGB लाइट्स हैं सारी। अच्छा, यहाँ पे पीछे लोगोस पे, तो ये काफी खूबसूरत लगता है जब ऑन होता है ना, ठीक है। i5 सेकंड जनरेशन है, 2GB ग्राफिक कार्ड है, 4GB रैम है, 500GB स्टोरेज है, ओनली अपने कस्टमर को आपके चैनल के रेफरेंस से 30,000 में दे दें। 30 में? हाँ जी, ये हम वैसे आम रूटीन में 40-45 में कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा प्राइजेस आपको मुनासिब मिल जाएंगी, ठीक है। वारंटी 1 मंथ की है, कोई मसला आ जाए इंशाल्लाह आप हल करवा सकते हैं। उससे आगे आ जाएंगे i3 में 4th जनरेशन HP के अंदर है, 650 मॉडल बिजनेस मॉडल है, नम पैड में, ठीक है। इसके अंदर 1GB ग्राफिक कार्ड है, 8GB रैम है, 320GB स्टोरेज है, फोर जनरेशन में 1GB ग्राफिक कार्ड, ये सिर्फ और सिर्फ 40,000 में मिल जाएगा। 40,000 में ग्राफिक कार्ड के एक्स्ट्रा पैसे नहीं डाले आपको, 40 में मिल जाएगा। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, सारे सॉफ्टवेयर आपके इजिली चलेंगे। इससे आगे अगर हम आ जाए तो ये T540P 9 cell बैटरी के साथ इस दफा सारे मॉडल मंगवाए हैं, ठीक है। इसके अंदर i5 4th जनरेशन है, नम पैड है, 1GB ग्राफिक कार्ड है इसमें, ठीक है। ओनली अपने कस्टमर को 43,500 में। अच्छा, ये इस दफा हमने 50 से कम कोई नहीं सेल की, इंशाल्लाह आपको जो है अच्छे रेट में मिल जाएगी। अच्छा, और इससे आगे मैं अपने कस्टमर्स के लेके आया हूँ क्वांटिटी में है HP ZBook 15G2, इसका मॉडल है i7 4, इसको कहते हैं सर वर्क स्टेशन, यहाँ पे ये आपको लिखा भी नजर आ गया HP मार्केट में कितने का? हाँ जी, मार्केट में सर इस टाइम 75 का। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको इक्विवेलेंट देखूं प्राइस क्यों ज्यादा है, 4th जनरेशन है, ये क्वाड कोर, और अगर आप इक्विवेलेंट देखें तो ये i7 8th जनरेशन के इक्वल मशीन है, बिल्कुल। गेमिंग करें हर किस्म की इजीली इंशाल्लाह इस पे होगी आपकी, ठीक है, ठीक है। इससे आगे अगर हम आ जाए तो कम बजट में ग्राफिक वाली अच्छी मशीन मिल सकती है i5 में 4th जनरेशन, ठीक है। i5 4th जनरेशन 2GB ग्राफिक कार्ड, पहले मैंने सारे 1GB में दिखाए हैं, 2GB ग्राफिक कार्ड, 256 SSD, 8GB रैम के साथ, नम पैड के अंदर, बिजनेस मॉडल, ओनली अपने कस्टमर को 45,000 में दे देंगे। 45,000 में इंशाल्लाह हर किस्म का वर्किंग इस पे चलेगा आपका, ठीक है। इसे आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास इस टाइम 11th जनरेशन भी मौजूद है। अच्छा जी, डेल के अंदर है i5 11th जनरेशन, ठीक है, 3590 इसका मॉडल है, ठीक है। i5 11th जनरेशन है, इसके अंदर लगी है 8GB रैम, 256 SSD, 1TB हार्ड ड्राइव, ठीक है। मार्केट में सर इसकी प्राइस 2 लाख है, लेकिन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर गिफ्ट है 1,20,000 में मैं आपको ये दे वाह वाह जी।
80,000 रुपए का डिस्काउंट जनाब आपको इस लैपटॉप के पीछे डिस्काउंट दे दिया। बात ये है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप हफ्ते बाद भी रابطہ करते हैं, हो सकता है उसमें भी किसी तरह की चीज आ जाए। बिल्कुल सही, वो आप रابطہ करें, अपनी रेंज बताएं, इंशाल्लाह उसमें भी आपको कोई छोटी रेंज में मिल सकती है। ठीक है, उससे नीचे मेरे पास एक आई है डेल के अंदर है, ग्राफिक मॉडल i5 8th generation। ठीक है जी, 2GB ग्राफिक कार्ड, 8GB रैम, 256 SSD। ठीक है, डेल के अंदर। इसी के अंदर एक मशीन मेरे पास वेरिएंट अवेलेबल है i7 8th generation, इंटेल का 4GB ग्राफिक कार्ड, 16GB रैम, 512 SSD। ओनली मार्केट प्राइस 1.5 लाख का, 1,02,000 में वो आपको मिल सकती है। इसी के अंदर सेम जो है कलर के अंदर आपको i7 8th में मिल सकती है। ठीक है जी, ठीक है। और जुबैर भाई वो लैपटॉप भी दिखाए ना जो टूटता नहीं है, जिसको आप फेंक भी देते हैं। वो भी हमारे पास है, ये ब्रीफ केस टाइप। तीसरा, ये आप जो है कहीं जा रहे हैं सफर पे, या आपका जो है किसी फैक्ट्री वगैरह में वर्किंग है, उधर भी वो तो हो सकता है। और साथ ये बच्चे, अगर जिनके घर में बच्चे ज्यादा हैं, हाँ, तो बच्चे शरारती हैं, तो ये वो भी रख सकते हैं। i5 6th generation, 8GB रैम, 500GB हार्ड। ठीक है, इसमें टच स्क्रीन वाला भी वेरिएंट है, विदाउट टच भी है। ठीक है, ठीक है। और ये गिरने से नहीं टूटता? हाँ जी, इसमें ना इसकी कैटलॉग में लिखा हुआ कि वाटरप्रूफ भी है। ठीक है, यहाँ पे जितनी यूएसबी पोर्ट्स हैं उनके बॉक्स बने हैं, लॉक लगे हैं। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो प्लास्टिक, ये खराब लैपटॉप गिराते हैं, ये असली लैपटॉप है। बिल्कुल सही। ये पावर का बटन है इसका, ये ग्रीन लाइट चल गई, इसका मतलब ये ऑन हो गया। ठीक है, ये मैं अभी आपको लाइव फेंक के भी दिखाऊंगा, ये देखें। ठीक है, ये लैपटॉप टूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ब्रीफ केस टाइप। इस तरह की काफी चीजें हमारे पास आती रहती है, आप रब्ता करेंगे इंशाल्लाह आपको भी कोई ना कोई मिल जाएगी। लास्ट में जो है हम आपको लास्ट लैपटॉप दिखा दें यहाँ पे, ये डेल के अंदर आया है, बिजनेस मॉडल E5 50, i5 5th में है, क्वांटिटी अवेलेबल है, 8GB रैम, 256 SSD। ओनली खाली हम 5th generation 45 में दे रहे हैं, आपने पहले भी देख लिया है, तो ये आपको सिर्फ 3,000 के फर्क में 2GB कार्ड एक्स्ट्रा मिल जाए, 48 में कार्ड, 3,000 सिर्फ एक्स्ट्रा बजट के साथ आपको 2GB। उसके अलावा जो है अगर आप मजीद ऑफर चाहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है ITZone के नाम से, वेबसाइट भी है। और कुछ लोगों को लोकेशन में थोड़ा मसला आ जाता है, उसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ जी, अगर कुछ लोग ऑरेंज ट्रेन के जरिए आ रहे हैं ना, तो उसका सेकंड लास्ट स्टेशन बनता है इस्लाम पार्क, वहाँ पे आप उतरे बैक वापस आए, आपको मेन पे ITZone के नाम से मिल जाएगी। उसके अलावा गूगल पे लोकेशन है हमारी, जस्ट ITZone इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करें, लोकेशन आपको फौरी मिल जाएगी। बेहतरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे। ये थी जनाब आज की एपिसोड, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने की बात, पाकिस्तान जिंदाबाद।